झारखंड के सुपर 25 खबरों के साथ मैं महेंद्र पात्रा। लेकिन खबरों में दर्शकों आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से एक छोटी सी अपील करना चाहते हैं। जी हां, आज के समय में ईमानदार पत्रकारिता करनी है तो हमें आपका सहयोग ही सर्वोपरि होगा, तभी हम निर्भीक और सच्ची पत्रकारिता कर पाएंगे, क्योंकि हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं और आगे भी हम ऐसे ही बने रहना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से तटस्थ और निष्पक्ष होना इलिनॉय एक महंगा मामला है, इसलिए आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक मदद करें। मानगो में 1.5 महीने के बच्चे की संदेहास्पद तरीके से हुई मौत। 5 साल की बहन ने बताया कि जब वह देखी तो बिल्ली उसके भाई के खा रही थी सर। कांड्रा टोल प्लाजा के सामने सरकारी चावल लदा ट्रक जब्त, दूसरा फरार। आत्मसमर्पण करने के बाद 10 लाख का इनामी नक्सली महाराज प्रमाणित गया जेल। अगले 2 दिन में फिर से मौसम का बदलेगा मिजाज। 23 एवं 24 जनवरी को पूर्वी सिंहभूम जिले व आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना बढ़ी। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय ने 3 आरोपियों को सुनाई सजा। अदालत ने इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो और श्रीकांत महतो को 25 साल के सश्रम कारावास के साथ 20,000 रुपये का लगाया जुर्माना। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड के कालिकापुर गांव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है खास रिश्ता। 5 दिसंबर 1939 को जमशेदपुर के फोर्ड कार लेकर नेताजी पोटका प्रखंड के कालिकापुर पहुंचे थे गाँव। PM नरेंद्र मोदी ने सिमडेगा DC से पूछे सवाल, कहा टीम को कैसे करते हैं मोटिवेट। उपायुक्त बोले, समय पर प्रमोशन इंक्रीमेंट मिले तो कर्मचारी रहेंगे खुश। लोहरदगा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। कुडू में 8 अपराधी गिरफ्तार, 21 बाइक बरामद, अलग अलग इलाकों में की थी चोरी। जमशेदपुर के चर्चित सहारा सिटी दुष्कर्म केस में फैसला, कोर्ट ने 3 आरोपियों को दी 25-25 वर्ष कारावास की सजा। पलामू में अपहरण कांड का हुआ खुलासा, सास से पैसे निकालने के लिए अपराधियों ने दामाद को किया किडनैप, 5 लाख की फिरौती मांगी, 3 हुए गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में मजदूर की हुई मौत। धान घोरी में पोल्ट्री फार्म में काम करने के दौरान बिजली की चपेट में आया था कर्मचारी, आक्रोशित हुए ग्रामीण। JSSC ने जारी किया 2022 की परीक्षाओं का कैलेंडर। इस साल 7 प्रतियोगी परीक्षा का होगा आयोजन, सितंबर तक सभी के आ जाएंगे रिजल्ट। देवघर के मधुपुर में महिला से दुष्कर्म का मामला आया सामने। बच्चे को चाकू की नोक पर लेकर अपराधियों ने पीड़िता को बनाया शिकार, सिर पर लगाई पिस्तौल। प्रतिरोध दिवस पर गिरिडीह में नक्सलियों का उत्पात, टुकरा और मधुबन इलाके में उड़ाया मोबाइल टावर, करोड़ों के नुकसान का अनुमान। सीजन में पहली बार रांची के मोहल्लों में कोहरा, 10 मीटर से भी कम रही विजिबिलिटी, आज से 24 जनवरी तक बारिश के आसार। पापा मम्मी का इंतजार हुआ खत्म, जमशेदपुर के निजी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं में दाखिले के लिए सूची हुई जारी। राजधानी में राज्यपाल तो CM उप राजधानी दुमका में फहराएंगे झंडा, गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होगा सादा। झारखंड में रिसर्च के इच्छुक विद्यार्थियों का इंतजार हुआ खत्म, KU में UGC 2016 के रेगुलेशन से होगी PhD प्रवेश परीक्षा, मई तक पूरी होगी प्रक्रिया। जामताड़ा में पति ने पत्नी की हत्या, गुदली पहाड़ी में भाभी के साथ मिलकर आरोपी ने विवाहिता का गला घोटा फिर रस्सी के सहारे लटकाया। कोरोना की तीसरी लहर, वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले संक्रमित 3 दिन में तो वहीं सिंगल डोज लेने वाले 6 दिन में हो रहे हैं ठीक। पलामू में 3 माह पहले हुई चोरी का हुआ खुलासा, 18 वर्ष के 2 युवकों ने दिया घटना को अंजाम, किराए का मकान लेकर रहते थे अपराधी। 2009 में रांची से बेटे का हुआ था अपहरण, अपहरणकर्ताओं को पहचानने से कारोबारी के बेटे ने किया इनकार, साक्ष्य के अभाव में 3 आरोपी हुए बरी। प्रदेश के 40,000 युवाओं के लिए नौकरी का रास्ता हुआ साफ, 6 एग्जाम रद्द करने के बाद JSSC ने 7 प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर किया जारी, सभी प्रतियोगी परीक्षाएं फरवरी से जून में होंगी। अब बढ़ेगी शहर की रौनक, पॉलिटेक्निक रोड स्थित पंपू तालाब का राजेंद्र सरोवर की तर्ज पर होगा सौंदर्यकरण। तो आज के लिए बस इतना ही, ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए News 24 बाद खबरों की।